अस्सलाम वालेकुम नमस्ते व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं मामूनी अहमद एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका। आज का जो हमारा टेस्टी रेसिपी है एक दाल तड़का, तड़का दाल हम बनाएंगे एकदम मज़ेदार ढाबे स्टाइल में, और जो कि बनाने में भी बहुत ही इजी है। आप बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। तड़के के लिए हमें पहले मूंग दाल को कुकर पे डाल के 5 से 6 सीटी तक बॉईल कर लेना है। उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर आप मिक्स कर लीजिए, और ध्यान रखिएगा जो तड़का दाल है इसमें आपको ओनली ग्रीन मूंग ही यूज़ करना है, इस पर कोई भी ड्राई दाल आप यूज़ ना करें। 6-7 सीटी के बाद हमारा दाल अभी एकदम बॉईल होके रेडी है। तड़के के लिए एक कढ़ाई पे हमें तेल गरम कर लेना है, और उस पर प्याज चॉप किया हुआ डालना है, और हरा और लाल मिर्च डालना है चॉप किया हुआ। उसको स्टीर करते हुए गोल्डन होने तक इसमें आपको जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है। पेस्ट भी आप डाल सकते हैं या फिर आप जिंजर गार्लिक को क्रश करके भी डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद आप इसमें क्यूमिन सीड्स या फिर साबुत जीरा भी आप डाल सकते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर और फ्रेग्रेंस आएंगे। स्टीर करते हुए इसको आप गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए एकदम स्लो फ्लेम में। मसाला एकदम अच्छे से भून जाए तो उसमें आप अभी टमाटर डाल सकते हैं चॉप किया हुआ। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर को डाल के, और फिर हम गरम मसाला भी डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाले भून जाने के बाद अब हम मसाले को एक साइड करके इसमें हम जो एग है हमारा, मैंने यहाँ पे 2 एग लिया है, एग को डाल के उसको थोड़ा सा नमक डाल के एग को भी स्टीर करते हुए फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ। मसाले और अंडे जो है अच्छे से भून के फ्राई हो जाए। अभी हमें इस पे जो हमारा बॉईल किया हुआ मूंग दाल है इसको डाल देना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी हमारा टेस्टी ढाबे स्टाइल जो है एक तड़का बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको आप रोटी, पराठा या फिर चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, और आई होप आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आए होंगे। क्योंकि ये मेरा नया चैनल है तो गाइस प्लीज़, जो इन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मामूनी अहमद की तरफ से बाय बाय एंड टेक केयर।